जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम। जीवन में कुछ भी करो ऐसे दोस्तों के साथ बताओ। ये देखो चल के तो आजा। अजी वहाँ पहुँच हमसे दूर क्यों बताओ? क्योंकि ना आज की चल रही है वीडियो कॉल पर चलाओ अपने बाबू के संग। ओह माय गॉड, 250 ग्राम बजाने के संग 3 किलो का बाबू राग रखो जाने। लेकिन हम राजा जसवंत सिंह की छतरी बहुत अच्छे। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जैसे कि सबको पता ही है और नहीं पता हो तो पता कर लो, आगरा में ऐसी कोई नई जगह है नहीं जहां हम नहीं गए हो। नहीं गए हो तो उसे बता दो। आज फिर एक नया दिन है तो फिर एक नई जगह जाएंगे। उसके लिए मैं नहा लेता हूँ, धो लेता हूँ और मिलता हूँ नई जगह पे। चलो आइए देखते। हेलो, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज आया हूँ मैं ऐसी जगह पे जो अपने आप में ही अनोखी है, क्योंकि मुगल काल में बना ये स्मारक एक अकेले हिंदू राजा की है। और इसकी सुंदरता तो मुगल काल के हर एक इमारत में है, लेकिन इसकी सुंदरता क्यों खास हो जाती है ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मुगल काल में एक ये अनोखी बिल्डिंग है, अनोखी इमारत है, जिसमें हमारे आराध्य श्री महादेव जी, मतलब भोले बाबा महादेव जी की मंदिर की स्थापना हुई है। सोचो कितने ही शक्तिशाली राजा होंगे वो, जिनके लिए एक अलग से स्मारक बनाया गया है, वो भी मुगल काल में। और मुगल काल में ही एक मंदिर की स्थापना हुई। ये देखो अभी ताला लगा हुआ है क्योंकि आज हम लेट हो गए। ये मंदिर है बाबा भोलेनाथ का, जय भोले बाबा की। और यहाँ के माता जी विराजमान है। बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ना इन सब का कहीं पे है ही नहीं, अता पता ही नहीं। और इस चीज़ का तो बिल्कुल अता पता होगा ही नहीं, क्योंकि मुगल काल में किसी हिंदू राजा के लिए, हिंदू राजा के बारे में बताना बहुत बड़ी बात है। और फिर भी वो सोचो कितने ताकतवर राजा होंगे जिनको मुगल काल मुसलमानों का राज मान लो, किसी राजपूत राजा के लिए ये बनाया गया हो अलग से। सल्यूट है, बहुत ताकतवर राजा थे। जैसे मैंने कही ना, हर ब्लॉग में मैं कोई हो ना हो यमुना मैया जरूर लूंगी, तो ऐसे ही उसी तरह से इसमें तो यमुना मैया है ही। लेकिन ऊपर देखो पहले तो 2-3 बंदर पहुंच चुके हैं। डन 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 डन। ज्यादा सब जानते हैं कुमारी अंकित क्या ई। अरे छोड़ यार, नहीं कर देना ई। नहीं दांत टूट ना, सही करवा लिया, सही करा लिया इसने। छोड़ो चित्ती की, अब बोलो भैया बढ़िया बर्थडे में सामने बर्थडे विश करो। थैंक यू, धन्यवाद आवाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये रही, ये देखो, और जो हम कल पहुंचेगा, मतलब जो हमारा एक ब्लॉग है यहाँ का भी है, 32 खम्मा मीनार, वहाँ से अलग ही व्यू आता है, वो अलग ही है। जैसा कि हमें ये पता था पहले कि ये राजा जसवंत सिंह की छतरी है और उनकी याद में बनाई गई है, लेकिन मुझे अभी ना अभी तुरंत एक बात और पता चली, जो यहाँ के लोकल एक भैया उन्होंने बताया था कि जो सेंसा राजा था ना, उसके यहाँ पे एक मंत्री या अधिकारी कुछ भी समझ लो, उसको राजपूत राजा अमर सिंह ने मार गिराया था। उसका नाम था सलावत खां को। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शांति से पूरा सुन लीजिए बिना बीच में बोले। राजा अमर सिंह ने मारा था
उसका भी इतिहास इसी से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद एक चीज़ और बताना रह गई, जैसे ये रानी जी की वो है ना समाधि स्थल, यहाँ पे जो क्या कहते हैं शादी शुदा सुहागिन औरत होती है ना, आज भी पूजा करती हैं अपनी पति की लंबी आयु के लिए। और इसमें देखो कुछ सामान भी है, जो सामान है और जिससे पूजा करी जाती है, देखो दिखा जाता हूँ। और यहाँ पे औरत है अपनी चूड़ी साड़ी सिंदूर मतलब मेकअप श्रृंगार का पूरा सामान चढ़ा के जाती हैं। जो ज़्यादातर लोग निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत रखा छोड़ देते हैं। जैसे कि ये देखो तो ताला लगा रखा है, तो यहाँ पर अभी भी लोगों के सेंटीमेंट यहाँ से जुड़े हुए हैं। और बस इस बात से मुझे गर्व है कि मुगलिया काल में ऐसी चीज बनाई गई जहाँ पे हमारे आराध्य का मंदिर है। और यहाँ पे बोलैंड कंपनी एक भाभी जी हैं। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस लोकेशन के बारे में विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं जितना हमें नहीं पता है। जैसे कि हम बाहर गए हैं फिर पता नहीं है, कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। हाँ चालू है भैया, वीडियो तो चालू रहता, ब्लॉग चालू रहता। चाहिए ठंडा अरे बोला एक बात था जो ना अभी जब पूछी थी ना के बारे में, तो इनसे काफ़ी प्रचलित है। मैम से बात हुई, उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो लड़के मन्नत मांग के जाते हैं शादी वगैरह की, तो शादी उनकी हो जाती है, उसके बाद पुनः यहाँ पे चुनरी चढ़ाने आना पड़ता है। मन्नत मांगे मन्नत ऊपर 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 मन्नत मांगे चल। हाँ तो मन्नत मांगे जा रही हूँ मैं तो। अच्छा सॉरी पहले मन्नत दो मिनट बाद मांगे मन्नत में। हाँ बता बता। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि जैसे इस एरिया में जितना भी ये जो भी एरिया है, इस एरिया में जो भी नई बहू आती है शादी होके मन्नत मांगने को, तो उसको यहाँ पे आना पड़ता है, चुनरी चढ़ानी पड़ती है, तब जाके सुकून से और अच्छे से रह पाती है। मैं तो मन्नत मांग भी लेता है, पर मांगू किसके लिए, कोई है ही नहीं है। तो अभी भाभी ने मैं बताया कि यहाँ पे ना कुंवारे लड़के आते हैं और मन्नत मांगते हैं, उन्हें अपनी मन पसंद लड़की मिल जाती। बोला मन्नत ना भाई साले कभी बहुत बढ़िया तुम्हारी। पंडित जी साथ घुसे थे मन्नत मांगे चल रहे जिंदगी भैया। मन्नत मांगी जिस किसी का प्रेम बिछड़ रहा हो वो आके यहाँ पे मन्नत मांगो, सच्चाई है। और एक चीज और बताई इनने, इस एरिया में किसी का भी जो नई नई शादी होता है, जो नई वैवाहिक बंधन में बंधता है, वो सबसे पहले यहाँ पे आके चुन्नी चढ़ा के जाता है, जिससे उसका घर सही सलामत चलता रहता है। इसमें कुछ लिखा है श्री राम आमज, वो बना रहा है शॉर्ट्स वीडियो बना रहा है। और अगली बार तो भैया ऐसे लोगों ने तो ब्लॉग में बिल्कुल मतलब, और इन्हें ले हुआ तो कोई दिक्कत ना। देखो हम इतनी दूर से आए हम, हमारा घर यहाँ से 7.5 किलोमीटर दूर है, हैं 7.5 किलोमीटर दूर से आए हम। और 7.5 किलोमीटर दूर से आए हैं, रास्ता में बहुत कुछ खा चुके हूँ। बाकी बात देखो हर किसी को लेके आओ, लेकिन ऐसे भूखे नंगन ने बतलाओ देख ले या दुनिया हल्की खत्म है जाते हैं, एक बार पानी खत्म आ जाएगा, लेकिन ऐसे प्लेयर निकले आयुष द बॉलर भाई साहब, ये ना आगरा को टॉप मोस्ट कहा गया था, कौन सा प्लेयर हो वो कहा रहे आगरा कौन सा बरौली को कौन सा टॉप मोस्ट वही प्लेयर हो ये आयुष द बॉलर। हाँ लाला बता दो वंश, पूरा नाम बता। वंश कुमार कौन सी जगह ये दसवन की छतरी क्यों बनी थी ये पता नहीं। YouTube पर डालूंगा देखना है चैनल लव यादव 1999 कौन सा लव यादव 1999 लव यादव 19 हाँ चल नाम बता दे एक बार समझ आए कर दे। हाय लाइक करो और शेयर करो धन्यवाद, और लिख दो कमेंट पर राधे राधे राधे। हाँ बहुत बढ़िया शॉट, चले बोलो ये चले चलो बाय। जो इतना जितना यहाँ के बारे में बताता वो हमने बता दिया है, और कोशिश करेंगे नई जगह जाएं उसके बारे में ज़्यादा बता सकें। अब टाइम हो गया घर जाने का, तो अपने आराध्य श्री महादेव जी का आशीर्वाद लेते हैं और चलते हैं घर। आ जाओ
लेता है आप चलते निकलते हैं घर के लिए। राधे राधे, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे